इंडियन बैडमिंटन लीग की शुरुआत हो चुकी है और इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। सर प्लेजर, फर्स्ट टाइम इंडियन बैडमिंटन लीग, कैसा लग रहा है? देखिए, जाहिर रूप से कि जब कोई कोशिश होती है और सफल होती हुई नज़र आती है तो अच्छा लगता है, और ये पहली शुरुआत है पूरे वर्ल्ड में इंडियन बैडमिंटन लीग। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भगवान गणेश जी की भी कृपा है, बहुत उन्हीं की कृपा से अच्छा हो रहा है, पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, फ्रेंचाइजीज हमारे बहुत खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लोगों का अट्रैक्शन है और पब्लिसिटी इसको मिली है गेम को, और सारे विश्व के अच्छे खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सफल होगा बैडमिंटन के खेल के लिए। एक आने वाला सुनहरा समय है। सर, आपने कहा कि बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, बहुत से स्पेक्टेटर्स आए हैं, कल ज़्यादा स्पेक्टेटर्स नहीं आ पाए थे, 14 तारीख तक शायद दिन का कुछ महत्व रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त है और छुट्टी का दिन है, बहुत तादाद में लोग आए हैं। आपको लगता है कि इस तरीके से जो लोगों का जो रुझान है बैडमिंटन की तरफ एक तरह से बढ़ा है? पहले कहते थे कि शायद क्रिकेट क्रिकेट ही है, लेकिन अब बैडमिंटन में दो ऐसे सितारे निकल के आए हैं जिससे लोगों का रुझान बैडमिंटन की तरफ भी निकला है, तो इसे इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप सर गेम का? देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें तो मैं, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बाहर का अच्छा उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, और ये सब तब होगा जब थोड़ा उनको रिकग्निशन भी तब मिलेगा, जब पैसा भी थोड़ा आएगा, दर्शक ज़्यादा आएंगे, तो अब ये सारी चीज़ें मिला जुला के हो रही हैं। और बहुत बड़ी तादाद में स्पेक्टर्स इसलिए भी आ रहे हैं कि उनको लगता है कि एक ऐसा गेम है बैडमिंटन जिसपे, मुझे लगता है हर खेल फैमिली में ये गेम खेला जाता है, मैं समझता हूँ क्रिकेट से ज़्यादा बैडमिंटन खेला जाता है, तो क्रिकेट तो है, वो तो अपनी जगह पे बहुत अच्छा खेल है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई नए खेल के रूप में उभर रहा है तो बैडमिंटन उभर रहा है। सर, आपने इस बार बात की पैसों की, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे पहली बार शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बोल सकते हैं हम इसे, जो इन दोनों का जो आप दोनों का जो एक सामंजस्य देखने को मिल रहा है, आप इसको कितना आपको लगता है कि ये आगे चल के ये एक एग्जाम्पल बनेगा दूसरे स्पोर्ट्स के लिए? सर देखिए, आज हर फील्ड में इस तरह के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन की, तो हम एसोसिएशन ट्रेनिंग अच्छी कर सकती है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकती है, खिलाड़ियों को मदद कर सकती है, लेकिन जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है और फ्रेंचाइजीज को लेके आना है, एक प्रॉपर ढंग से मार्केट करना है, तो उसके लिए तो एक प्राइवेट पर्सन की ज़रूरत होती है, तो वही हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कराया, मिलजुल के सामंजस्य बढ़ा के हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये और खेलों को भी इससे लाभ मिलेगा। आप बात करें प्लेयर्स की, मैं जानना चाहूँगा ये एक दो साल के अंदर नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स फिर से आ रहे हैं, उसके लिए कितनी ज़्यादा बी है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कितनी अपनी तरफ से प्लेयर्स को सहायता दे रही है, कितना उनको प्रोत्साहन दे रही है? सर देखिए, हमने एक कोर टीम बनाई हुई है जिसपे काफ़ी बड़ी तादाद में 40-40 बच्चे हैं, उसमें गर्ल्स बॉयज सब है, जो टॉप पे हैं वो भी हैं, जो संभावनाएं जिनसे हैं वो भी हैं, तो उनमें से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार कैंप्स हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको लगातार भेज रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास अब एक दो खिलाड़ी हैं, अब हमारे एक स्तर के 5-6 खिलाड़ी सभी एक स्तर के हैं, कौन किसको कब हरा दे तो ये कोई भरोसा नहीं है। हम इंटरनेशनल लेवल पे, हमें खुशी इस बात की है कि अब हमारे प्लेयर्स जो चाइनीज़ वॉल होती थी जिसको कहते हैं ना ग्रेट चाइनीज़ वॉल, उसको भी हमारे बच्चों ने तोड़ दिया है, तो अब ऐसा कुछ फेयर नहीं रह गया कि अब चाइनीज़ प्लेयर्स हैं तो हमारे लोग नहीं बच्चे नहीं खेल सकते हैं, हमारे खिलाड़ी अब वर्ल्ड के किसी भी प्लेयर के लगभग बराबर हैं। थोड़ा सा और ग्रूम अप होने की इनको ज़रूरत है, जो लास्ट मिनट वाला मामला होता है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आएगा और नई टेक्निक सीखेंगे, एक्सपोजर मिलता रहेगा जो मिल रहा है जैसे, तो एक काफ़ी बड़ा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हमारे बच्चे आने वाले एशियन गेम्स में, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं,
फिर उसके बाद ओलंपिक्स भी 16 में, तो ये लगता है कि ऐसा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को कम से कम 3 मेडल मिलने चाहिए बैडमिंटन के अंदर। सर हम दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो, रियो ओलंपिक 2016 में भारत आपके, जैसे आपने कहा 3 मेडल मिले, उससे ज़्यादा मिले, और बहुत बहुत शुक्रिया बैडमिंटन में, बिल्कुल बैडमिंटन में, बैडमिंटन में भारत को 3 मेडल से ज़्यादा ही हम दुआ करेंगे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अखिलेश दास गुप्ता जो हमसे बात कर रहे थे इंडियन बैडमिंटन लीग के नए नए स्वरूप, उनके नए विभिन्न चीज़ों के ऊपर, और आगे जो 2016 में ओलंपिक्स हैं उनमें दुआ कर रहे हैं कि बैडमिंटन में भारत को कम से कम 3 पदक तो ज़रूर मिले। कैमरामैन विजय कुमार चंदेल के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, DD News, दिल्ली।